मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ रहने का। आई मीन आगे हॉस्टल है यार, ये थोड़ा दूर वाला रास्ता है बट लेके जा रहा हूँ, इधर कोई आता जाता नहीं उतना, बट सेफ है। ये देखिए, ये रहा मंदिर, ये रहा बैठने के लिए, और ये रहे मंदिर। कैंपस के बाहर आपको मस्जिद भी मिल जाएगी। जब भी आप फर्स्ट एड हो या कुछ कर्मकांड किए हो तो यहाँ के माफ़ी या फिर अपोलोजाइज व्हाट से, या यू कैन डू दैट ऑल। ये देखिए, ये जंगल, जंगल ही जंगल है भाई यहाँ। कोई बंदा आ रहा है बंदी के साथ। ओह माय गॉड, हमी खली नल है। ये देखो आसमान कितना मस्त है ना, वेदर अच्छा है भाई लोग। पहले थोड़ा सा कटआउट में, मतलब विलेज एरिया में, बट अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी कटेगी। यहाँ से थोड़ी दूर में एक विलेज है, कटगंची नाम है, वहाँ आप लोग जा सकते हैं डेली यूज़ के सामान खरीदने के लिए। ये देखिए पीछे से कोई और आ रहा है। हाँ, ये गो, यहाँ पर गाड़ी रहना बहुत ज़रूरी है। पैदल वाले को तकलीफ है बट अच्छा, हेल्थ अच्छा हो जाएगा चलने से, क्योंकि ये पागल लोग आर्किटेक्चर बनाए हैं बहुत दूर दूर में। हॉस्टल यहाँ जहन्नम में कहीं डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी में जाने के लिए प्रांत। अरे कहना क्या चाहते हो, कहना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ है यहाँ का माहौल। बट कोई और प्राइवेट फालतू कॉलेज में जाने से तो ठीक ही है भाई, कम से कम बोलने को तो रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हो। अब हम आ रहे हैं हॉस्टल में, ये सबसे लास्ट वाला हॉस्टल है। पहले इसका नाम केकेआरडी था, अब इसका नाम मैलापर रखा गया है। इस साइड में नए हॉस्टल बन रहे हैं, उसके आगे का हॉस्टल का नाम अमर जो है, उसके आगे टी शर्ट। ये देखो कुछ बंदे लोग निकल रहे हैं। ये रूम हॉस्टल नहीं है, इसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह सारे इसमें रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर वगैरह। और ये लोग देखो मल्लेपर्वत से निकल रहे हैं, रोज शाम को खेलने जाते हैं मल्लेपर्वत हॉल में। ये रहा जनरेटर, ये है मल्लेपर्वत, ये मेरा होटल बोल रहा हूँ, हॉस्टल है ये आगे वाला, अमरजा हॉस्टल है। टू बी ऑनेस्ट, अमरजा और भीमा हॉस्टल और टी शर्ट सारे अच्छे हैं, इसमें वाईफाई, फ्लोर वगैरह अच्छा खासा है, क्लीननेस मिल जाएगी। इसमें एक ड्रॉबैक है कि वाईफाई नहीं है, शावर नहीं है, बट जो भी है ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा अच्छा है, एयर ही है, सबको मिल जाएगा। ये देखो व्यू, फुल जंगलों के बीच, बट मज़ा आता है। इसी के पीछे से जाने का एक रास्ता है शॉर्टकट, जो आपको कटगंज विलेज ले जाएगा। ये देखो मल्लेपर्वत हॉस्टल, चलिए अंदर का हाल दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सीसीटीवी है, सो आप कुछ कर नहीं सकते। ये आ गया, पीने के लिए वाईफाई, कूलर, हॉस्टल ठीक है। हर रूम है, एक रूम में छः बंदे ठूस के रखे हैं, बट जगह अच्छा रहता है। ये पीछे कपड़ा वगैरह पसारने के लिए, ये देखो यहाँ से बहुत अच्छा भी दिखता है। ये मेस के लिए है बट खुला हुआ नहीं रहता, जैसे यहाँ पर है रूम सेम वैसे ऊपर में भी है। ये रहा रास्ता जाने को, ये केयर टेकर का रूम, वार्डन का रूम, ये हम लोग का रूम। बंकर बेड, मेरा मरा हुआ दोस्त, सारे रूम ऐसे ही है। यहाँ पर कबर्ड नहीं है बट दूसरे हॉस्टल में कबर्ड है। ये पढ़ने के लिए टेबल दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है। ओके भाई, आज के लिए काफ़ी है, चलिए आपको दिखाते हैं इसलिए हॉल देख। ये रहा बाथरूम, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, आपको दिखाते हैं मेरा पर लास्ट हॉस्टल का बाथरूम। क्लीननेस के मामले में ये बहुत साफ है, सारे रूम में देखो लॉन्ड्री लगे सारे। ये देखो समय बंकर बेड, यहाँ पशु, यहाँ पर गीजर है, ठंड में गर्म पानी यहाँ से लो। ये वॉश बेसिन, एक छोटा सा आईना, ये है शिशु के लिए, ढेर सारे। साफ सफाई के मामले में ये वाला हॉस्टल सबसे अच्छा है। ये रहा बाथरूम, सारे रूम साफ होते हैं, यू कैन सी इट हाउ वाइट इट इज। तीन टॉयलेट एंड ये नहाने के लिए, एक सड़क हुआ नाल, यहाँ पर साबुन रखने के लिए। ये बाथरूम ऐसे तीन हैं, सेम सी कपड़े टांगने वाला था, सारे में था बट उखाड़ दिया सारे बंदर बच्चों ने। ये है मेरा सर्फ का डब्बा, पानी भी अच्छा है, आप सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पर, सभी जगह पानी भरते हैं आपको। ऐसे ही बाथरूम सारे तरफ, ये इसके सबसे लास्ट कॉर्नर में ऐसा ही बाथरूम, उधर भी है और ऊपर में भी, दोनों साइड है, सो ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होता, आराम से रह लेते हैं। ये देखिए हमारे दोस्त मॉडल बन के घूम रहे हैं।